हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। देखो, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब वाली कन्फ्यूजन एक ऐसी है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर ही देते हैं। भाई, क्या एडजेक्टिव होता है, क्या एडवर्ब, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की हम वीडियो में समझने वाले हैं। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक मेनली बात की जाए तो एडजेक्टिव आपके जो क्वालिफाई करते हैं वो नाउन को एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताए नाउन की एंड प्रोनाउन की। ठीक है, एडवर्ब की अगर बात की जाए तो एडवर्ब आपकी विशेषता बताते हैं वर्ब की। हिंदी में इनको बोला जाता है क्रिया विशेषण। तो ये आपके क्वालिफाई करेंगे वर्ब को, ये आपके क्वालिफाई करेंगे एडजेक्टिव को। ठीक है, ये आपके क्वालिफाई कर सकते हैं एक और एडवर्ब को, और ये कभी कभी पूरे कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एक एडवर्ब कभी भी नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे एडजेक्टिव्स, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, और कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करेंगे एडवर्ब। नाम से ही आप इनके डिफरेंस को समझ सकते हो, विशेषण एंड क्रिया विशेषण। गॉट माई पॉइंट। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड दिया है क्विक, आपको करना ये है 30 सेकेंड्स लो और मुझे फटाफट से इसका मतलब अपने माइंड में ये सोचना कि अगर मैं आपको बोलूं कि नाउन बनाओ, इसको आपको चेंज करना है नाउन में, तो आप कैसे चेंज करोगे। क्विक आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर आपको चेंज करना है इसको नाउन में तो आप कैसे चेंज करोगे। आपके माइंड में आ रहा होगा क्विकली, कुछ एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा होगा क्विकनेस। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखो बेसिक सी चीज है, जब भी आप किसी वर्ड के साथ एलवाई लगाते हो तो पॉसिबिलिटी है वो एडजेक्टिव हो, पॉसिबिलिटी है वो एडवर्ब हो, कभी भी वो नाउन नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एलवाई, और जरूरी नहीं है कि एलवाई लगा वर्ड एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब ही हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो नाउन नहीं होगा। तो क्या ये आपका नाउन हुआ, ये बिल्कुल भी नाउन नहीं हुआ। ये क्या है ये भी हम जानेंगे। फिलहाल समझो, क्विक को अगर मैंने नाउन में कन्वर्ट करना है तो सफिक्स लगाया नेस, समझ में आ गया। तो अगर आप किसी वर्ड के पीछे सफिक्स देखो नेस, तो ये समझ जाना वो आपका नाउन है। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन ऐसी है जिसमें एलवाई लगाया जाए तो एडजेक्टिव बने, क्या कंडीशन ऐसी है कि एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाया जा सकता है, समझते हैं। देखो, अगर हम किसी नाउन के साथ एलवाई लगाएंगे, अगर हम किसी नाउन के साथ एलवाई लगाएंगे तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव, और अगर किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाएंगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब। टेंशन मतलब अभी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। ही सैंग अ सॉन्ग, ये क्या हुआ, नाउन। ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, सॉन्ग हुआ नाउन। ही सैंग वॉट, आप कहोगे नाउन, तो ये हुआ नाउन। ठीक है, वॉट काइंड ऑफ सॉन्ग, आपने बोला ब्यूटिफुल, तो यहां पे ब्यूटिफुल आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब थर्ड सेंटेंस देखना, ही सैंग ब्यूटिफुली, तो ये ब्यूटिफुली आपको किसका आंसर दे रहा है, एडवर्ब का। हाउ का आंसर हमें मिलेगा या व्हाट मैनर का आंसर हमें मिलेगा, तो ये आपको आंसर दे रहा है हाउ का, तो ये हुआ आपका एडवर्ब। समझ पा रहे हो, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का बेसिक डिफरेंस। अब यहां से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हमने एडजेक्टिव में एलवाई लगाया है तो हमें एडवर्ब मिला है। तो आपको इस रूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नाउन प्लस एलवाई बनता है एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लस एलवाई बनता है एडवर्ब। आप इस चीज को बस ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होगे। समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ जी, अब अगर यहां पे लिखा अ क्विक फॉक्स जम्प्ड, अ क्विक फॉक्स जम्प्ड, तो यहां पे आप देख सकते हो नाउन को क्वालिफाई किया है क्विक ने, तो यहां पे क्विक क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसी चीज को हम लिखें अ फॉक्स जम्प्ड क्विकली, तो यहां पे ये क्विकली क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बताया, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने से क्या मिल जाता है हमें, एडवर्ब। और आप देख सकते हो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। समझ में आया भाई।
तो वो कौन से ऐसे वर्ड्स है जो एग्जामिनेशन पूछता है और मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो ये हैं वो वर्ड्स, ये जो फॉलोइंग वर्ड्स है इनको एस्पिरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं एडवर्ब, लेकिन ये एक्चुअल में अपने आप में एडजेक्टिव्स है. आप देख सकते हो मैन आपका नाउन है, नाउन के साथ एलवाई लगाया मैनली, एडजेक्टिव बना. विमेन आपका नाउन है, एलवाई लगाया विमेनली, एडजेक्टिव हुआ. कावर्ड आपका नाउन है, एलवाई लगाया एडजेक्टिव बना. निगार्ड नाउन, निगार्डली एडजेक्टिव. माइजर माइजरली. फ्रेंड फ्रेंडली. अब आप देखो योर्स फ्रेंडली लिखते हो, ये चीज तो सबको पता है कि योर्स, इनके बाद ये प्रेडिकेटिव यूज किए जाते हैं, इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए. फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव है, नाउन ही तो नहीं आना चाहिए, कुछ और तो आ सकता है. वीक आपका नाउन है, वीकली बन जाएगा एडजेक्टिव. ईयर आपका नाउन है, ईयरली बन जाएगा एडजेक्टिव, मंथली. अब आप एक सेंटेंस लिखते हो शी अर्न्स मंथली. हाँ जी, एक सेंटेंस लिखते हो शी अर्न्स मंथली. अब मंथली क्वालिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को. तो यहां पे मंथली की प्लेसमेंट तो सही नहीं है क्योंकि आना चाहिए एडवर्ब, लेकिन मंथली क्या है, एडजेक्टिव है. समझ पा रहे हो मेरी बात. तो इस तरीके से अगर चीजों को सीखोगे तो अच्छे से कर पाओगे और मिस्टेक भी नहीं होगी. हाँ जी, आप सिंपल कह सकते हो रिचा अर्न पर मंथ या एवरी मंथ, इस टाइप से आप कह सकते हो. हाउ ऑफन का हमें आंसर मिलना चाहिए. अब ये एक सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. भीमा फॉट कावर्डली इन दी बैटल. अब स्टार्टिंग में देखने में ये सेंटेंस लगेगा करेक्ट है, लेकिन अगर आप इस रूल को ध्यान में रखोगे तो आप एरर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो. हाँ जी, क्या एरर होनी चाहिए. भीमा फॉट, बिल्कुल सही बात है. फॉट, फाइट जो की है उसने, उस चीज को बताना है. वर्ब को क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडजेक्टिव सिर्फ नाउन, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा. तो यहाँ पे कावर्डली नहीं आना चाहिए, कावर्डली अपने आप में एडजेक्टिव है. आना क्या चाहिए, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है चलो, कावर्डली नहीं आएगा, लेकिन फिर आना क्या चाहिए. आप लिखो भीमा फॉट इन अ कावर्डली मैनर. अब मैनर अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है. नाउन को क्वालिफाई का किया कावर्डली एडजेक्टिव ने, बात खत्म. भीमा फॉट कावर्डली इन, भीमा फॉट इन अ कावर्डली मैनर इन द बैटल, या भीमा फॉट इन अ मैनली मैनर. समझ पा रहे हो, तो दोनों ही तरीकों से, बस आपको एक ही चीज का वो ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाएंगे तो ही हमें एडवर्ब मिलेगा, अगर हम नाउन के साथ एलवाई लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा एडजेक्टिव. बस इस रूल को ध्यान रखो. ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये वो सेंटेंस है जो स्टूडेंट्स क्रैम कर लेते हैं. हाँ भाई कावर्डली है तो कावर्डली नहीं आना चाहिए. सपोज आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि ही इज अ माइजरली, या ही इज अ माइजरली, मतलब सिंपल इस तरीके से लिखा जाए ही इज माइजरली, तो वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए ही इज अ माइजर पर्सन, तो माइजर अपने आप में नाउन है, पर्सन अपने आप में नाउन है, लिखोगे क्या माइजरली, उसको आप एडजेक्टिव बना दोगे. समझ में पा रहे हो, दोनों ही तरीकों से. हो सकता है ये यहां से एरर पूछ ले, हो सकता है वो यहां से एरर पूछ ले, बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है. सबसे पहली बात तो ये चीज कि हर एलवाई लगा वर्ड आपका एडवर्ब नहीं होगा. ठीक है, नाउन के साथ अगर एलवाई है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई है तो ही वो एडवर्ब होगा. तो बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आ गया. हाँ जी, फटाफट से देख लेते हैं क्या इस वीडियो में हमने सीखा है. इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि एडजेक्टिव आपका क्वालिफाई कर सकता है नाउन एंड प्रोनाउन को, एडवर्ब आपका क्वालिफाई कर सकता है वर्ब को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब को, और कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है. ध्यान रखना, कभी भी नाउन और प्रोनाउन को डायरेक्टली एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी है, हर एलवाई लगा वर्ड एडवर्ब नहीं होगा. तीसरा रूल ये सीखा है कि नाउन के साथ एलवाई लगाओ बनेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाओ बनेगा एडवर्ब. ध्यान रखना. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, मोस्टली एस्पिरेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि क्या काउंटेबल नाउन होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. अब ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट इंग्लिश ये चीज काम आने वाली है. सपोज एडजेक्टिव्स पढ़ने लग जाए
तो उसमें डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाओ मच और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाओ मैनी। अब अगर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस ही क्लियर नहीं है तो आप मच और मैनी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या काउंटेबल नाउन है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है। एक बार सिंसियरली पूरा सेशन अटेंड कर लो और उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और याद भी रहेगा। ऐसा नहीं है कुछ कि भाई याद नहीं रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से पूरा सेशन अटेंड करना। स्टार्ट करते हैं, पहले आप अपने लेवल पे बताइए कि क्या डिफरेंस होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच। हाँ जी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बीच क्या डिफरेंस रहता है बेसिक? देखो, मोस्टली एस्पिरेंट्स का आंसर होगा मैम जिसे काउंट किया जा सके वो काउंटेबल और जिसको काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल। अच्छा, अगर इतना ही इजी होता तो फिर एग्जामिनेशन में पूछा क्यों जाता? समझ रहे हो मेरी बात? अब आपके सामने एक नाउन लिखी हुई है स्टार, क्या आप बता सकते हो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? हाँ जी, आपके सामने एक नाउन लिखी है स्टार, क्या आप बता सकते हो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? या फिर से आपके सामने नाउन है मनी, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अब अगर इस तरीके से समझोगे कि काउंट किया जा सके या ना किया जा सके, तो स्टार्स को तो काउंट नहीं किया जा सकता, तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। बट एक्चुअल में स्टार काउंटेबल नाउन है। मनी को काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल होना चाहिए, बट एक्चुअल में मनी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। तो वैसा क्यों होता है? देखो, और कैसे इस चीज को याद रखा जाए तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, बस वही याद रखना है और फिर सारी डाउट, सब कंफ्यूजन, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वो ये चीज है कि देखो, जब बात की जाए काउंटेबल नाउन की तो एस या ईएस लगाकर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते। समझ में आया? हाँ जी, बेसिक डिफरेंस इनके बीच यही है कि काउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। स्टार का प्लूरल बनाओ स्टार्स, पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन मनी का प्लूरल बनाओ मनीज। सुना है आपने वर्ड मनीज? हाँ जी, तो देखो, अगर नाउन्स की बात की जाए तो बेसिकली देयर आर फाइव काइंड्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन कैटेगरीज में हमको डिवीजन करना है, फटाफट से समझ लेते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होगा? पर्टिकुलर नेम होगा पर्सन का, थिंग का या प्लेस का। आर्टिकल्स का जनरली हम यूज इसके साथ नहीं करते। कॉमन नाउन जनरल नेम होता है, हर कॉमन नाउन का एक प्रॉपर नाउन जरूर होगा। से बॉय, तो बॉय का प्रॉपर नाउन से राम, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा, ये कलेक्शन होता है सिमिलर थिंग्स का, पर्सन्स का, जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, ज्यूरी हो गया, ठीक है, बेबी हो गया। मटेरियल नाउन वो होता है कि मटेरियल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स जिनसे हम कोई और चीज आगे बना सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है FAQs, फीलिंग्स, एक्शंस, क्वालिटी एंड स्टेट। तो कॉमन और कलेक्टिव, देखो प्रॉपर तो है ही प्रॉपर, उसको छोड़ो, कॉमन और कलेक्टिव होते हैं आपके काउंटेबल नाउन। इनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, इसका सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन में, इनके साथ आर्टिकल्स में ए और एन का यूज तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो, ए और एन आपके सिंगुलैरिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। अब कोई चीज अगर सिंगुलर ही नहीं है तभी उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई चीज सिंगुलर नहीं है तो उनके साथ ए और एन का यूज भी नहीं होगा। ए और एन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। द का यूज किया जा सकता है स्पेशल केसेस में, बट फिलहाल उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, वो हम कर लेंगे किसी और वीडियो में कवर। फिलहाल ये समझो कि ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच। अब स्टार की बात की जाए तो स्टार आपका कॉमन नाउन है, हर किसी स्टार का कोई ना कोई नेम तो होगा, से ध्रुव स्टार, राइट। तो इस तरीके से कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं रहना है। काउंटेबल नाउन जिसको हम एस या ई एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बना सके, प्लूरल से एस या ई एस हटा के सिंगुलर बना सके। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा किसी भी सिनेरियो में। चलो एग्जाम्पल्स से समझना, शुरू हो जाओ भाई।
40 सेकेंड्स लो और अपने माइंड में कैटेगराइज कर लो कि ये आपकी काउंटेबल नाउन है, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ जी, तो देखो शुगर की बात अगर की जाए, शुगर मटेरियल नाउन है, बिल्कुल है, अनकाउंटेबल होगी। आप इसका प्लूरल भी बना के देखो, शुगर्स नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। मनीज अभी अभी हमने सीखा, अनकाउंटेबल नाउन। रुपी, रुपी का प्लूरल रुपीज बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काउंटेबल। नॉलेज का प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल। एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा। व्हीकल्स बन सकता है, पॉसिबिलिटी है ही, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन। स्टार्स अभी अभी हमने सीखा है, काउंटेबल नाउन। सिंगर कॉमन नाउन है, काउंटेबल। पेन कॉमन नाउन, काउंटेबल। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपकी अनकाउंटेबल है। हेल्थ आपकी अनकाउंटेबल है। एविडेंस आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया भाई? हाँ जी, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच। इसको ध्यान रखना, आगे से अगर कोई पूछे कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको यही चीज बतानी है। काउंटेबल नाउन का हम ऐसे ई एस लगाकर प्लूरल नहीं, प्लूरल बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल का ऐसे ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। क्वेश्चन देख लो एक दो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, एरर बता दो। हाँ जी, तो देखो अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं मच। तो राइस अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल। मेनी तो यूज नहीं किया जाएगा, तो यूज करेंगे मच। एरर हो जाएगी पार्ट टू में। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे नहीं होता कि मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल यूज किया जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज किया जाता है। गॉट इट? सेकंड का बताओ। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है, उसका अगर प्लूरल नहीं बनेगा, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बताओ, एरर आंसर बता दूं? हाँ जी, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया इज अवेलेबल। थर्ड का बताओ, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस, क्या बोलेंगे? हाँ जी, तो बिल्कुल सही, एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, क्या बोलेंगे? थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस। समझ में आया? तो ध्यान रखना ये सब चीजें। इसके अलावा अगर सपोज करो सिंगुलर बनाना ही पड़ जाए किसी अनकाउंटेबल नाउन का, तो कैसे करेंगे? से ब्रेड, तो ब्रेड के लिए अगर हमें सिर्फ एक ब्रेड चाहिए, तो अ ब्रेड तो बोलेंगे नहीं, अनकाउंटेबल है, मटेरियल है। क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, सर्टेन केसेस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हम एस या ई एस लगाने की कोशिश करेंगे, तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि वुड, वुड मीन्स लकड़ी, टिम्बर, और वुड्स फॉरेस्ट, ठीक है। एयर हवा, एयर्स हवाबाजी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का डिफरेंस। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू, ठीक है। ये कैसा टॉपिक है,
जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ लिटल लगाना है, कहाँ अ लिटल लगाना है, कहाँ फ्यू लगाना है, कहाँ द फ्यू लगाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर ये चीज़ ढंग से समझ ली ना, तो बार बार फिर रिवाइज करने की भी नीड नहीं रहेगी, एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की। देखो, लिटिल और फ्यू, अगर लिटिल की बात की जाए तो लिटिल की प्लेसमेंट होती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू की प्लेसमेंट की जाती है काउंटेबल नाउन के साथ। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है वीडियो में, राइट? एक और वीडियो सेशन है, उसमें मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ डिस्क्राइब की है कि क्या डिफरेंस होता है काउंटेबल नाउन में क्या और अनकाउंटेबल नाउन में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो आप प्लेस करोगे लिटिल, और अगर काउंटेबल नाउन है तो फिर उसके साथ प्लेसमेंट होगी फ्यू की। अब डिफरेंस क्या है अ लिटल में, द लिटल में और लिटल में, क्या डिफरेंस है फ्यू में, अ फ्यू में और द फ्यू में, ये चीज हम समझने वाले हैं। देखो, यहां पे ये चीजें लिखी हुई हैं। आपको पता है लिटल आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू की प्लेसमेंट होती है काउंटेबल नाउन के साथ, इसको तो ध्यान में रखना ही है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल सेंस की। तो लिटल और फ्यू, इसका जो सेंस है, इन दोनों का ही सेंस होता है निल। निल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खत्म, ठीक है? तो ये चीज में ही नेगेटिव सेंस है। अगर आप किसी चीज के साथ लिटल या फ्यू की प्लेसमेंट करते हो तो सेंस आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव सेंस। अब बात करते हैं अ लिटल और अ फ्यू की। इनका मतलब होता है थोड़ा लेकिन काम चल जाए, जस्ट इनफ, थोड़ा लेकिन काम चल जाए। और अगर काम चल ही जाएगा तो सेंस कैसी रहेगी भाई, पॉजिटिव, ठीक है? तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया, लिटल और फ्यू इट मींस निल, नेगेटिव सेंस, अ लिटल अ फ्यू इट मींस थोड़ा लेकिन काम चल जाए, पॉजिटिव सेंस। अब बात कर लेते हैं द लिटल और द फ्यू की। देखो, द आपका हमेशा स्पेसिफिक के साथ आता है। हाँ जी, द आपका हमेशा स्पेसिफिक के साथ आता है, तो द फ्यू और द लिटल भी ऑब्वियसली बात है स्पेसिफाई करने के लिए ही आएंगे। और ध्यान रखना है इस चीज का, उन सेंटेंसेस में हम द लिटल द फ्यू का यूज करेंगे जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट हमें दिखेगा। हाँ जी, समझ में आया? देखो, ये तो कंसेप्ट था, जब एग्जाम्पल्स करोगे तो सारी ही चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी एक बारी के लिए ये समझूं, सपोज करो गिवन है वॉटर, तो सबसे पहले तो मुझे यही बताओ कि वॉटर के साथ क्या आएगा, फ्यू या लिटल? ऑब्वियसली बात है लिटल आएगा। अब सपोज करो सिर्फ ड्रॉपलेट्स हैं वॉटर की, तो क्या लिखोगे, लिटिल वॉटर। अब पानी है लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इतना कि काम चल जाए, उस केस में लिखोगे अ लिटिल वॉटर। और सपोज करो स्पेसिफिक कोई सेंस है, तब उस केस में लिखोगे द लिटिल। समझ में आया? सिमिलरली अगर मार्क्स की बात की जाए, सपोज करो 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपको क्लियर करने के लिए चाहिए 33। अगर मार्क्स आते हैं 32 तो उसको क्या बोलेंगे, भाई 33 पे पास होना है, 32 आए चाहे 0 आए बराबर है, बोलोगे फ्यू मार्क्स। अगर आप स्कोर करो 35, अब ज्यादा तो नहीं है लेकिन काम तो चली गया, पास तो हो गए, उस केस में लिखोगे अ फ्यू मार्क्स। और स्पेसिफाई अगर चीज करनी हो तो फिर लिखोगे द फ्यू। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया लिटिल और फ्यू का? हाँ जी, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं। यू शुड नॉट अग्री विद हिम एज ही इज अ मैन ऑफ डैश पेशेंस। अब पेशेंस आपके अनकाउंटेबल नाउन है, आना तो चाहिए लिटिल। अब लिटिल में लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, बताओ? द लिटिल तो आने से रहा, दैट आपको कहीं नहीं दिख रहा है सेंटेंस में, आपको उससे एग्री नहीं करना चाहिए, पेशेंस बहुत कम है। अब एग्री कब नहीं करोगे, अगर काम चल जाता तो ठीक था, काम नहीं चल रहा तभी की बात है, तो आंसर आ जाएगा लिटिल। नेक्स्ट बताओ सेकेंड, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो, एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। कहने का मतलब ये है, घड़ा अगर पूरा भरा होगा तब भी नहीं छलकेगा, घड़ा अगर पानी नहीं होगा तब भी नहीं छलकेगा, लेकिन आधा घड़ा है तो उसमें से पानी ज्यादा गिरता है। तो कहने का मतलब ये है, अ लिटिल नॉलेज
आपको लगेगा मैम पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, ये देखो ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि नॉलेज की बात है। सपोज करो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप बिजली का स्विच खोलोगे ही नहीं, अगर थोड़ी नॉलेज है तो खोल तो लोगे, फिर काम तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड देखना, द डॉक्टर सजेस्टेड हिम रेस्ट फॉर डैश डेज। अब डेज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आना तो चाहिए फ्यू की कोई फॉर्म, मतलब अ लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू। अब देखो ना के बराबर दिन रेस्ट करना है या उतना जितने में वो ठीक हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अ फ्यू डेज। फोर्थ देखो, वेयर आर डैश फ्रेंड्स दैट यू हैड इन कॉलेज डेज। द आएगा और फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल। डैश वाटर दैट दिस बॉटल कंटेन्ड वॉज स्पिल्ड, क्या आना चाहिए? वाटर है, आएगा तो लिटिल। अब लिटिल में भी क्या, यहां पे देखो दैट, तो द लिटिल वाटर स्पेसिफिक हो गया। अब वाटर कोई भी वाटर तो नहीं रहा ना, वही वाटर जो कि बॉटल में था। हाँ जी, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ, और देख लेते हैं। चलो फर्स्ट देखो, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। देखो देयर इज डैश कॉफी, अब आपको कॉफी है लिटरली आना चाहिए, वैसी बात है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, तो बस आप ये याद रखना द लिटल को छोड़ के इसमें लिटल की भी प्लेसमेंट की जा सकती है और अ लिटल की भी, डिपेंडिंग अपॉन दी फर्दर सेंटेंस। समझ रहे हो मेरी बात? सेकेंड का बताओ, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब ना के बराबर पैसा या उतना पैसा जिससे काम चल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है द लिटल मनी, सॉरी अ लिटल मनी, अ लिटल मनी, अ लिटल मनी इज नीडेड फॉर टू सेव हिज लाइफ। आप इसमें देखो, डैश मनी दैट शी हैड वॉज स्टोलन, दैट आ गया। द लिटल मनी, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो चुरा लिए गए। फोर्थ देखो, यू हैव डैश मनी, अगेन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्लियर नहीं है, तो इसमें लिटिल की भी प्लेसमेंट की जा सकती है एंड अ लिटिल की भी, द लिटिल की नहीं होगी क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट आपको कहीं नहीं दिख रहा है। फिफ्थ बताओ, अ फूलिश स्टूडेंट हैज डैश केयर फॉर हिज लाइफ। अगर फूलिश की बात आ गई, इसका मतलब कोई केयर नहीं है, तो अ फूलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट देखते हैं, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। डैश फ्यू, सॉरी, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना जो फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स हो, तो आ जाएगा फ्यू, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस। डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। देखो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बुक पॉपुलर नहीं है, कुछ बुक्स हैं एज पॉपुलर एज गीता, तो आना चाहिए अ फ्यू। नेक्स्ट देखो, मुकेश इज विद मी फॉर डैश डेज। ना के बराबर दिन या कुछ दिन, जस्ट डैश गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। अब कुछ होना चाहिए इनफ, ऐसा तो नहीं होगा कि ना के बराबर किताबें पढ़ो और बुद्धिमान बन जाओ, तो जस्ट अ फ्यू गुड बुक्स। फिफ्थ देखना, ही स्पोक डैश वर्ड्स एंड सैट डाउन। बैठने से पहले कुछ शब्द तो कहे होंगे। अब देखो ये टोटली इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो डिपेंड करेगा फर्दर उस पर कि भाई ना के बराबर बोले या कुछ, तो इसमें अ फ्यू और फ्यू दोनों की प्लेसमेंट हो सकती है लेकिन द फ्यू की नहीं होगी, राइट। सिक्स्थ में आ जाओ, डैश वर्ड्स दैट ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। रिलेटिव प्रोनाउन दैट आपको विजिबल है, सोचने की ही नीड नहीं है, आना चाहिए द फ्यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये था आपका कंसेप्ट फ्यू और लिटिल का, ठीक है, क्लियर हुआ। लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू को यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल और फ्यू, नेगेटिव सेंस निल,
अ लिटिल और अ फ्यू थोड़ा लेकिन काम चल जाए पॉजिटिव सेंस. द लिटिल द फ्यू स्पेसिफिक रिलेटिव प्रोनाउन दैट के साथ ही यूज किए जाते हैं. हाँ जी, कोई भी अगर आपको डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना. अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT डिस्काउंट कोड लगाना है. जैसे कि आप PMYT डिस्काउंट कोड बिना स्पेस के लगाएंगे, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. मान लेते हैं आप SSC कैटेगरी में कोड लगाते हैं तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्या सर सिर्फ आपके बैचेस मिलेंगे? आंसर इज नो. आपको एक सिंगल प्लान से सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस मिल जाते हैं. उसमें 100+ एजुकेटर्स, 50+ बैचेस, सब कुछ उसके अंदर कवर होता है. जितने भी आपके नए बैचेस आने वाले हैं, जितने भी पुराने बैचेस हैं और जितने भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर है. और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली पुलिस कवर होगा, SSC कैटेगरी के सभी एग्जाम्स, चाहे वो CGL हो, चाहे उसमें Tier 1 हो, Tier 2 हो, Tier 3 हो, चाहे वो CPO हो, CHSL हो, MTS हो, JEE हो, सारे बैचेस, सारे एग्जाम्स पूरे के पूरे कवर होते हैं. और 2 साल का प्लान आपको पड़ता है 5832 का, 1 साल का प्लान आपको पड़ता है 4860 का, अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं PMYT विदाउट स्पेस. और आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके साथ अपने क्रेडिट्स भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा.